नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, वैसे तो मैंने प्रमोट को लेकर जो कल अपडेट आई थी, यानी कि जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं दिनेश शर्मा जी, उन्होंने आदेश जारी किया था प्रमोट को लेकर, वो मैं उसको अपडेट कर चुका हूं। लेकिन उसमें कुछ बच्चों के क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने मेरे से पूछे हैं, तो उनके मैं आंसर आपको करने वाला हूं। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी तरफ से मेरे लिए मोटिवेशन यही होता है। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन से जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। साथियों, बात करते हैं जो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे थे उनके बारे में। तो साथियों, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चों का, वो पूछा जा रहा है कि सर, हम सेकेंड ईयर में हैं, तो क्या सीसीएस यूनिवर्सिटी के सेकेंड ईयर के एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। तो साथियों, जैसे कि मैं आपको निरंतर बताता रहूं कि सेकेंड ईयर के एग्जाम होंगे, और वही आदेश कल जारी हुआ, यानी कि जो 3 सदस्य की कमेटी बनी थी और उन्होंने कहा था कि जो जिनको पिछली बार प्रमोट किया गया था, यानी फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में प्रमोट किया गया था, उनके कोई मार्क्स नहीं आए थे, तो सेकेंड ईयर वाले बच्चों के एग्जाम कराए जाए। तो यानी कि अब आपके सेकेंड ईयर के एग्जाम कराए जाने हैं, यानी कि सेकेंड ईयर में आपका, चाहे वो कोई भी कोर्स है, बीकॉम है, बीए है, बीएससी है, कोई भी कोर्स है जो एनुअल कोर्स है, तो उसमें आपके सेकेंड ईयर के एग्जाम होने हैं। अब उनकी जो डेट शीट है बहुत जल्द अब जारी कर दी जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। अब यहाँ पर बात बच्चों के जो सेमेस्टर मोड के कोर्सेज हैं, तो सेमेस्टर मोड के कोर्सेज में, सेमेस्टर मोड के जो आपका, चाहे वो सेकेंड सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर है, या फिर आपका फाइनल सेमेस्टर है, तो फाइनल सेमेस्टर के तो एग्जाम होंगे। जिनका फोर्थ सेमेस्टर है तो फोर्थ सेमेस्टर को आपको प्रमोट किया जाएगा, और जिनका आपका सेकेंड सेमेस्टर है उनको भी प्रमोट किया जाएगा। इससे आगे हम बात करें एलएलबी के बारे में, जो एलएलबी 3 ईयर एलएलबी है, कि उसमें फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होंगे या सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम होंगे, तो उसके बारे में आज यूनिवर्सिटी से मैं कंफर्म करके, यानी कि आज मैं कॉलेज जा रहा हूं, तो आज कंफर्म करके उसके बाद में मैं आपको इवनिंग तक अपडेट करूंगा कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम कराए जाएंगे या सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम कराए जाने हैं। इससे आगे जो आपके प्रैक्टिकल और वाइवा है, उसके लिए जो हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि उनको कैंसिल करा दिया जाए। यदि किसी विश्वविद्यालय को कराने भी हैं, तो वो आपको उनका ऑनलाइन कराए। तो यानी कि जो आपके प्रैक्टिकल और वाइवा है, उनको इस बार कैंसिल कर दिया गया है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपने फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर मैं जितनी भी न्यूज़पेपर की कटिंग होती है, शिक्षा जगत से जुड़ी हुई खबर होती है, या आपकी जॉब वैकेंसी होती है, तो उस पर मैं पर डे अपडेट करता हूं, तो उसको आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा। वहां पर आपको अपडेट निरंतर मिलती रहती है, और जैसे ही कोई अपडेट आती है, बड़ी अपडेट आती है, तो सबसे पहले मैं फेसबुक पेज पर अपडेट करता हूं, उसके बाद में मैं उस पर वीडियो बनाता हूं। तो फेसबुक पेज को आप जरूर लाइक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, और आप फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हैं अमित चौहान, तो आपको फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा। साथियों, आगे बात करें जो बच्चे निरंतर मेरे से पूछ रहे हैं अपने रिजल्ट को लेकर, यानी कि जिन बच्चों के एग्जाम हुए थे तो अपने रिजल्ट को लेकर, तो वो मैं काफी टाइम पहले बता चुका हूं आपको, मैंने कल भी वीडियो में बताया कि जो आपका रिजल्ट है वो बहुत जल्द आ जाएगा, कॉपियां चेक हो चुकी हैं, अब आपका जो मार्क्स अपडेट होने का जो प्रक्रिया है वो चल रही है। तो यानी कि आपका रिजल्ट हो सकता है इस वीक के लास्ट में, नेक्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाए, यानी कि 15 तारीख से पहले पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इससे आगे बात करें बीएड वाले बच्चे, तो बीएड वाले बच्चों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, जो बीएड फर्स्ट ईयर है उनको प्रमोट किया जाएगा, और जो सेकंड ईयर है सिर्फ उनके एग्जाम होने हैं। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो उसको मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और साथियों, जो एक्स और बैक वाले बच्चे हैं, वो भी मेरे से काफी ज्यादा पूछ रहे हैं, तो उनके लिए भी आज कंफर्म करके उसके बाद में आपको वीडियो अपलोड करने वाला हूं। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।